नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल शिवागो.com पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कलयुग जो चल रहा है, इस कलयुग में हम ईमानदार रहें या नहीं रहें, ईमानदारी कितना मायने रखती है। अक्सर हम लोग देखते हैं किसी को कि भाई इसके पास बहुत पैसा आ गया, एक तो कुछ करता नहीं तो घर पे बैठे रहता है, पैसे कहाँ से आ रहे, जरूरी बेईमानी करता हो। आपकी नज़र में करता होगा, हो सकता है एक्चुअली में ईमानदार हो, पर हर जगह ऐसा नहीं है। बहुत कम समय में लोग अनाप शनाप तरीके से पैसे कमाते हैं, पर किसी के ऊपर जब तक प्रूफ नहीं हो तब तक बोला नहीं जा सकता है। तो कलयुग में क्या मायने रखता है, ईमानदारी या भ्रष्टाचार, यही हम इस वीडियो में बताने चाह रहे हैं। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्यून, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो। देखिए, आज कलयुग में देखेंगे तो बहुत थोड़ी सी संपत्ति के लिए लोग झगड़ा कर लेते हैं, और वो छोटा झगड़ा जो है बड़ा होते होते ऐसा होता है कि कभी कभी जान तक चली जाती है। हमारा जो मानना है, जहां तक मैंने अभी तक पढ़ा है, तो इसमें कलयुग में अच्छा काम करो, थोड़ा ही करो, ईमानदारी से करो, तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, मनचाहा वरदान देते हैं, उसका जीवन खुशियों से भर देते हैं। कलयुग की यही खासियत है, थोड़ा करो और अधिक लाभ भाव पाओ। देखिए, ईमानदारी वो शब्द है जिससे हम सभी बहुत अधिक परिचित हैं, हालांकि इसका अधिक प्रयोग नहीं किया जा सकता और ईमानदारी को परखने का कोई भी निश्चित तरीका भी नहीं है, हालांकि इसे बड़े स्तर पर महसूस किया जा सकता है। ईमानदारी का गुण किसी भी व्यक्ति के साथ जीवन भर और जीवन के बाद भी जुड़ा रहता है। आज इस कलयुग में ईमानदारी शब्द थोड़ा सा ऐतिहासिक प्रतीत होने लगा है। लोग ईमानदारी को छोड़कर अपनी जरूरतों के हिसाब से कुछ लोग भ्रष्टाचार की तरफ आकृष्ट हो चुके हैं। जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के मान्य नियमों के विपरीत जाकर, उसके उलट जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत आचरण करने लगता है तो भ्रष्टाचारी कहलाता है। आज भ्रष्टाचार हमारे देश में भी है, हम सिर्फ भारत की बात करेंगे, और देशों में भी है और हर क्षेत्र में है। आए दिन आप न्यूज़ में पढ़ते ही होंगे, भ्रष्टाचार की ज़्यादा न्यूज़ रहते हैं, वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, राजस्व का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, निर्माण का क्षेत्र हो, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में ये भ्रष्टाचार अपनी जड़ें भी फैलाता चला जा रहा है। ईमानदारी किसी भी क्षेत्र में नजर नहीं आती है। ईमानदारी से यदि आप कोई काम करने गए तो काम भी बहुत लंबा हो जाता है, पर हमारा यही मानना है कि ईमानदारी से थोड़ा ही काम करो, लेकिन अच्छा करो और फिर देखो आपको क्या अनुभव होता है, पहले करके देखो। भगवान श्री कृष्ण को फॉलो करो, भगवान कहते हैं कि दान करो, अन्नदान करो, धर्म के काम करो। दूसरा कहते हैं कि नहीं कर पा रहे हो तो ध्यान करो, जप करो। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान के अनुसार मन और बुद्धि दोनों को काबू में करने के लिए आत्म संयम का होना अत्यंत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति कलयुग में हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेगा, उसका जीवन आसान हो जाएगा। श्री कृष्ण की बताई गई इन चार अहम बातों पर यदि आप चलते हैं तो कलयुग, मतलब हम जो इंसान हैं, हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन जो व्यक्ति इसे फॉलो कर ले, इन बातों का पालन कर ले, तो उसका जो जीवन है बेहद आसान हो जाता है। वैसे ईमानदारी अनुशासन का ही एक हिस्सा है। अनुशासन एक आदर्श जीवन जीने की कला है और ईमानदारी इस कला का निर्धारण करती है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें,
और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।